नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश राज, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीश राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 12 बाई 14 फुट रूम बनाने में कितना मटेरियल और साथ साथ खर्चा क्या लगेगा। ठीक है, 12 बाई 14 रूम बनाने में, एक स्टैंडर्ड साइज का रूम बनवाने में। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत नॉलेजफुल है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको पूरा चीज पता चल जाएगा कितना। और हमारे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। दोस्तों, यह एक रफ एस्टिमेट एंड कॉस्ट का आइडिया दे रहे हैं, 12 बाई 14 फुट का रूम अगर बनवाना है तो। अब हम जो भी एस्टिमेट बताएंगे आपको, वह अकॉर्डिंग टू द थंब रूल बताएंगे। थंब रूल एक पुराना कंस्ट्रक्शन करवाया रहता है, दस उसका एवरेज डाटा निकाल लिया जाता है, उसी को थंब रूल बोलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताते हैं। तो एरिया ऑफ रूम का अगर बात कर ले, तो जो हमारा 12 बाई 14 फुट का रूम है, उसका दोस्तों साइज एरिया 168 स्क्वायर फुट होगा। और रूम का अगर साइज का बात कर ले, तो 12 फुट बाई 14 फुट का यह रूम का आपका साइज है, तो इसी को जब गुना कर देंगे तो 168 फुट हो जाएगा, स्क्वायर फुट हो जाएगा। तो 12 बाई 14 का हमें रूम बनाना है। तो सबसे पहले बात कर ले, पहला रो में मतलब कि आपको सीरियल नंबर, दूसरा में मटेरियल का नाम रहेगा, और तीसरा में कैलकुलेशन रहेगा, चौथा में मटेरियल का क्या रेट चल रहा है अभी के डेट में, और लास्ट में आपका टोटल अमाउंट क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले सीमेंट का बात कर लेंगे। 12 बाई 14 फुट के रूम बनाने के लिए सीमेंट का अगर बात कर ले, तो एक स्क्वायर फुट में 0.44 बैग लगता है। तो रूम का जो हमारा एक रूम का जो एरिया है 168 स्क्वायर फुट, उसको हम गुना कर दिए 0.44 बैग से, तो यह सीमेंट आपका टोटल होगा 76 बैग। 76 बैग में आपका ब्रिक्स वर्क, फाउंडेशन, प्लास्टर, कॉलम, बीम सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका रेट का बात कर ले, अभी सीमेंट का रेट मान लीजिए एक अच्छे ब्रांड का सीमेंट लेंगे, उसका रेट आपका 360 से लेके 400 के बीच में पड़ रहा पर बैग। यह रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल यह रेट कम हो चुका है, तो हम इसको 380 रुपया एक बैग का सीमेंट का लेके चलेंगे। यह रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग लोकेशन पे। तो हमारा 76 बैग का 380 रुपया के अकॉर्डिंग यह 28,880 रुपया लग जाएगा सीमेंट के ऊपर 76 बैग में। तो 76 बैग में आपका सारा काम हो जाए। अब बात कर ले स्टील कितना लगेगा भैया, तो स्टील एक स्क्वायर फुट रेसिडेंटल घर बनाने के लिए आपका 3 kg लगता है स्टील। तो हमारा रूम का जो एक रूम का जो 168 स्क्वायर फुट एरिया था, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो स्टील आपका हो जाएगा 504 kg स्टील लग जाएगा, यानी कि 5 कुंटल 4 kg आपका स्टील लगेगा। और इसका अगर रेट का बात कर ले दोस्तों, तो रेट अभी डाउन हो चुका है इस मंथ में, तो 70 से 78 रुपया पर केजी लगने वाला है। यह रेट और भी कुछ डाउन होगा बरसात के टाइम पे। और इंडिया के अंदर किसी भी लोकेशन से स्टील का रेट कैसे चेक करें, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो वायरल है, जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो ये स्टील कहीं पे 70 रुपया मिलता है, तो कहीं पे 72 रुपये, तो कहीं पे 74, कहीं पे 78 रुपये। तो हम 75 रुपया लेके चले, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं 504 केजी गुने अगर हम 75 रुपया लेके चले, तो ये 37,800 रुपया स्टील के ऊपर खर्चा होगा, 37,800 रुपया स्टील के ऊपर खर्चा होगा। अब बात कर ले तीसरे नंबर सीरियल में, तो सैंड है, सैंड को हम लोग बालू बोलते हैं, रिवर का सैंड, गोल्ड कलर का बैंड सैंड। ठीक है, या तो आप एम क्रश सैंड भी मंगा सकते हैं, एम क्रश सैंड बहुत सस्ता होता है, 4,000 का प्रास मिल जाता है 100 CFT। तो रिवर सैंड का हम बात कर ले, तो रिवर सैंड 1.2 CFT एक स्क्वायर फुट में लगता था। हमारे पास एक रूम का एरिया क्या है 168 स्क्वायर फुट, तो इसको जब हम गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद यह 204 CFT हो जाएगा। तो यानी कि 204 CFT हो गया, तो 204 CFT का एक CFT का रेट का अगर बात कर ले, तो 70 से 75 रुपया पर CFT का। और यह रेट वैरी भी करता है अलग अलग लोकेशन पे, मार्केट कैपेबिलिटी पे, ठीक है, रिवर के खदान के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके एरिया में जो भी रेट रहे, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अभी हम बात कर लेंगे 204 CFT का, तो 204 CFT को अगर हम ले के चले 75 रुपया, मेरे एरिया में यह 85 से 80 रुपया पर CFT पड़ता है बिहार UP के रीजन में, लेकिन आपके एरिया में यह रेट कम भी हो सकता है, 50, 55, 60, 70 ऐसे हो सकता है। तो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग ले के चले, तो 204 CFT बालू का रेट हो जाएगा 15,300 रुपया हो जाएगा। अब बात कर ले एग्रीगेट का, जिसको हम गिट्टी बोलते हैं, खड़ी बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, ब्लास्ट बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, तो ये इसको मेजरमेंट क्यूबिक फुट में करते हैं CFT में और ब्रास में करते हैं। तो 168 स्क्वायर फुट एक रूम का है, हमारे पास एरिया था 12 बाई 14 फुट का रूम का, तो एक
स्क्वायर फुट में यह 1.31 CFT लग जाता है गिट्टी, तो यह हमारे पास हो जाएगा 227 टोटल। अगर CFT का बात कर ले तो 227 CFT ये गिट्टी हो जाएगा, और रेट इसका भी 70 से 75 रुपया हम लेके चल रहे हैं। गिट्टी का भी रेट कोडरमा गिट्टी जो आता है बहुत महंगा हो गया है, ये तो हमारे एरिया में 90 रुपये भी 85 रुपये भी 80 रुपये भी मिल जाता है। ऐसे लोग सस्ता गिट्टी पहाड़ी वाला गिट्टी मंगा के यूज करते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एरिया का यूपी बिहार का अगर रेट को ध्यान में रखते हुए ले के चलूं तो 227 CFT गुने 75 रुपये अगर कर देंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं 17,225 रुपये आपका गिट्टी के ऊपर खर्चा हो जाएगा। 17,225 रुपये। आप बात कर ले ईंट का दोस्तों, पांचवा नंबर सीरियल में जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं, तो ब्रिक्स को हमेशा नंबर्स में काउंटिंग करते हैं। तो हमारा चारों तरफ जो रूम का दीवाल रहेगा वो 9 इंची का हमने पकड़ा है, तो 9 इंची का चारों तरफ दीवाल के अकॉर्डिंग 10 फुट फ्लोर का हाइट अगर रखेंगे तो हमारे टोटल 11 m³ इसका वॉल्यूम हो जाएगा ब्रिक्स वर्क का। और इसको 1 m³ में 500 ब्रिक्स लगता है थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो 11 m³ में यह हो जाएगा आपको ब्रिक्स हो जाएगा 5,520 ब्रिक्स लग जाएंगे, ठीक है। अगर रेट का बात कर ले तो दोस्तों 9 से 13 रुपया पर ब्रिक्स का बात कर ले रेट लगता है, तो हम 10 रुपया लेके चले तो 10 रुपया लेके चलेंगे तो ईंट का रेट 5,020 ईंट का कीमत हो जाएगा 10 रुपया के अकॉर्डिंग 55,200 रुपया ईंट का लग जाएगा 55,200 रुपया। या ईंट का रेट आपके एरिया में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, कहीं पे 8 रुपया कहीं पे 7 रुपया 6 रुपया में भी मिल जाता है। आप बात कर ले छठे नंबर में टाइल्स या मार्बल का मेजरमेंट स्क्वायर फुट में होता है, तो 1 स्क्वायर फुट में 1.3 स्क्वायर फुट टाइल्स लग जाता है, तो 168 एक रूम में आपका टाइल्स कम 219 स्क्वायर फुट लग जाएगा 219 स्क्वायर फुट का रेट का अगर बात कर ले दोस्तों, तो टाइल्स का रेट अगर मीडियम रेंज का अगर लेंगे आप तो 45 रुपया से लेके 55 रुपया तक में एक अच्छा टाइल्स मिल जाएगा 45 से 55 रुपया पर स्क्वायर फुट। तो हमारे पास 219 स्क्वायर फुट हो गया, 219 स्क्वायर फुट गुने अगर हम कर दे 50 रुपीज तो 10,950 रुपया आपका टाइल्स के ऊपर खर्चा हो जाएगा। अब बात कर ले वहीं पेंट का, तो पेंट दोस्तों 0.14 लीटर से 1 स्क्वायर फुट में लगता है, तो एक रूम का एरिया 168 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पेंट लग जाएगा 24 लीटर लग जाएगा। तो 24 लीटर का एक लीटर का कीमत 250 रुपया से लेके 260 रुपया एशियन पेंट एशियन का मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेंट का अगर बात कर ले तो पेंट का 260 रुपया गुने अगर हम 24 लीटर का कर दे तो देख सकते हैं यह 6,240 रुपया लग जाएगा। पेंट का नॉर्मल पेंट का है या पुट्टी पेंट का बात नहीं है। अब बात कर ले प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सैनिटिंग और ड्रोर फ्रेम वगैरह लगाएंगे तो उसका क्या लगने वाला है, तो 120 रुपया पर स्क्वायर फुट लग जाता है, तो 168 स्क्वायर फुट का दोस्तों 168 स्क्वायर फुट गुने 120 अगर कर दिया जाए तो यह हो जाएगा 20,160 रुपये आपका डोर फ्रेम प्लम्बिंग सैनिटरिंग इलेक्ट्रिकल करने में लग जाएगा। और यह रेट आपका, तो दोस्तों प्लम्बिंग का रेट 120 रुपया से लेके 150 रुपया पर स्क्वायर फुट प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल सैनिटरिंग का लग जाता है, ठीक है। आप बात कर ले जब आप रूम बनवाएंगे तो आपको फाउंडेशन के लिए सॉइल को निकालना पड़ेगा, एजुकेशन करना पड़ेगा, बाद में फिलिंग भी करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज आपको 20 से 25 रुपया पर स्क्वायर फुट लग जाता है सॉइल को फिलअप करने का और निकालने का, तो 168 रुपया के अकॉर्डिंग यह रेट पड़ जाएगा आपका
168 स्क्वायर फुट गुने 20, तो यह देख सकते हैं दोस्तों 3360 रुपया आपका पड़ेगा। अब बात कर ले लेबर का चार्ज क्या पड़ेगा, तो लेबर का चार्ज आपका पड़ने वाला 250 रुपया पर स्क्वायर फुट, तो उसमें आपका फिनिशिंग तक लगभग करके दे देगा, ठीक है, ब्रिक्स वर्क, प्लास्टर, कॉलम, बीम, स्लैब सब करके देगा। तो 250 रुपया गुने 168 स्क्वायर फुट को अगर हम गुना कर देंगे 250 रुपया से, तो देख सकते हैं यह लेबर का चार्ज आपको 42,000 लग जाएगा। और यह 210 रुपया से लेके 250 रुपया पर स्क्वायर फुट मार्केट में अभी लेता है पर स्क्वायर फुट लेबर का चार्ज। अब बात कर ले कि 12x14 को रूम बनवाने में मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा कितना लगेगा टोटल, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 12x14 फुट रूम। तो हम सारे जो अमाउंट हमने निकाला है मटेरियल का उसको जोड़ देंगे, लेबर का रेट जोड़ देंगे, तो यह हमें पता चले। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले 12x14 रूम बनाने के लिए, तो यह आपका पड़ने वाला है 236,915 रुपया आपका एक रूम 12x14 का बनाने में लग जाएगा। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।